हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पे जो डिस्कशन किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, उस पर हमने एक्सरसाइजेस के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, जो सॉल्व करने वाले थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, उस पर हमने डिस्कस करा था। और जो क्वेश्चंस मैथमेटिकल नहीं थे उसको मैं ऐसे डिस्कस कर लिया था, किसी को डिस्कस नहीं किया था, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद करें। और अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो उसमें चार और अलग से क्वेश्चंस हैं, जिसका नाम यहाँ पे एडिशनल एक्सरसाइजेज कह के है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिन क्वेश्चंस पे, वो कौन से क्वेश्चंस? एडिशनल एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस। एडिशनल एक्सरसाइजेज में जो नंबरिंग गिवन है वो A1 कह के है, चार ही क्वेश्चंस हैं। A1 में गिवन है कि द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी टाइम टेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन। टाइम गिवन है इन सेकेंड्स और डिस्टेंस इन मीटर्स। ठीक है, ये गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 ये गिवन है। बोला है सबसे पहला, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप यहां पे क्या कह सकते हैं? इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। ठीक है, दूसरा और एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कि आप तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, मानते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, मतलब पोजीशन का चेंज जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, व्हाटएवर, आप ये समझें कि देखिए, जीरो सेकेंड में कितना मीटर? 0 मीटर। फर्स्ट सेकेंड में कितना मीटर? 1 मीटर। सेकेंड में कितना मीटर? 8 मीटर। अब आप अगर इस पर गौर करेंगे, वैसे मैं बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। मान लेते हैं टाइम को टी और डिस्टेंस को एक्स। ठीक, एक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। आप ये देखिए कि टाइम जब 0 से 1 हुआ, टाइम जब क्या हुआ, 0 से 1 हुआ, ये देखें तो 1 सेकेंड में कितना मीटर? 0 से 1, दैट इज 1 मीटर। तो पहले कितना मीटर पर सेकंड हुआ? 1 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले कितना मीटर पर सेकंड हुआ? 1 मीटर पर सेकंड। फिर आप देखिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ, तो 1 मीटर से कितना 8 मीटर, दैट इज 1 मीटर से 8 मीटर होने का मतलब 7 मीटर ट्रेवल किया, तो कितना हो गया? 7 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है? स्पीड बढ़ी, कितनी बढ़ी 1 सेकंड में? ये बढ़ गई आपकी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ के हिसाब से देखें, 2 से 3 1 सेकेंड, 8 से 27 में 8 गया, कितना हो जाएगा बोलिए? 19, दैट इज, फिर कितना हो गया? 19 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा आपका 7 से 19, कितना हो गया बताइए? 19 में 7 गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो 19 में 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, फिर क्या हुआ? 3 से 4 1 सेकेंड, 27 से 64, तो 64 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 37, अगर मैं सही कर रहा हूं। 14 में 7 गया 7, 5 में 2 गया 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 37 मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़ा स्पीड? 17 में 9 गया 8, 2 में 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 4 से 5 1 सेकेंड, 64 से 125, तो 125 माइनस 64, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, 61, दैट इज 61 मीटर पर सेकेंड। इससे कितना बढ़ गया बताइए? 11 में 7 गया 4, 5 में 3 गया तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आप खुद देखें एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, बट एक्सेलरेशन का जो बढ़ने का जो रेट है वो कितना, 6 से 12 हुआ एक सेकंड में, 12 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, बात समझ आ रही है, दैट मीन्स 6 से 12 मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, इसको जर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्क, फिर 12 से 18 हुआ तो क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड क्यूब, ये कितना हो जाएगा 18 से 24 हो गया कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड क्यूब, दैट मीन्स जर्क कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये क्या है एक्सेलरेशन, ये स्पीड है या वेलोसिटी मानिए, स्पीड बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है लेकिन जर्क कांस्टेंट है, तो कंक्लूजन क्या निकला बताइए, स्पीड बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा इंक्रीजिंग, तो एक आंसर होगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मेरी बात समझ आई, कैसा एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बात समझ आ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो बढ़ने का रेट है वो फिर कांस्टेंट है, बात समझ आ रही, स्पीड तो बढ़ रहा है, स्पीड का बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है और स्पीड का बढ़ने का रेट का जो रेट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये अगर देखें इतनी बात आपको समझ आ गई, कैसा एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब आप इस पे अगर ध्यान दें जो आपका पोजीशन है या डिस्टेंस है वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे पावर 3, ठीक है, देखिए 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, टाइम का वैल्यू पुट कीजिए, टाइम का वो पुट कीजिए और उस पर पावर 3 की ही आ जाएगा आपका, तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ही होगा, और अगर एक्स बराबर टी स्क्वायर वाला होता तो आप चेक कर लेते तब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, अब करके देख सकते हैं, जब एक्स का वैल्यू टी होता, टी टाइप का, इस टाइप का, इसमें एक्सेलरेशन कितना आता, 0, ठीक है, इस तरह की बात है, तो आप समझ जाएंगे, ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हमको डिस्कस किए, अगर आपको चाहिए तो मैं बता ही देता हूँ, जैसे मैं टाइम लूँ सेकंड में और डिस्टेंस लूँ मीटर में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0 है, 1 है, ये 4 है, 9, 16, 25, इस पर आप डिस्कस कर लीजिए, देखिए 1 सेकंड 1 मीटर दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 3 मीटर दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, 2 से 3 1 सेकंड, 4 से 9 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 3 से 4 9 से 16 7 दैट इज 7 मीटर पर सेकंड, देखिए कितना बड़ा, 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड है बड़ा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 से 5 दो ही बड़ा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, तो अगर ये वाला फॉर्मेट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये वाला हो तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, मैंने दो चीज़ें आपको बता दी, लेकिन आपका तो क्वेश्चन है एक्स बराबर टी क्यूब वाला फॉर्मेट में, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बी में क्या पूछा है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में कैसा फोर्स लगेगा, चूंकि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्स भी क्या होगा कांस्टेंट नहीं होगा, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पर वो क्या होगा वेरिएबल होगा, वो बढ़ता हुआ होगा, बात समझ आ रही है, वो चेंज हो रहा होता होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हुआ और फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, इसका आंसर शायद नहीं है बुक में, देख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन दैट इज ए टू कह रहा है, 2 persons मैनेज टू पुश अ मोटर कार, 2 आदमी हैं, 2 persons मैनेज टू पुश अ मोटर कार, एक मोटर कार है, 2 आदमी मिलके उसको क्या कर रहा है पुश करने की कोशिश कर रहा है, ऑफ मास 1200 किलोग्राम, ऑफ मास 1200 किलोग्राम एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात, अलोंग अ लेवल रोड, अलोंग अ लेवल रोड,
द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड द सेम कैन बी पुश्ड बाय थ्री पर्संस बाय थ्री पर्संस टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ वॉट फोर्स डज ईच पर्सन विथ वॉट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक एक आदमी जो मस्क्यूलर फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल सेम है। अज्यूम दैट ऑल पर्संस पुश द मोटर कार विद द सेम मस्क्यूलर इफॉर्ट। मतलब जितना फोर्स पहला बंदा लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा भी लगा रहती उतना ही फोर्स तीसरा भी लगा रहा है। लेकिन आप देखें दो पर्संस जो पुश कर रहा है, पुश करने की वजह से वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म ही रह रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब जितना फोर्स वो दोनों मिलके लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन भी आ जा रहा है जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है। मतलब एक व्हीकल है, मोटर कार है, इस पर फोर्स दो बंदा मिलके लगा रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन भी उतना ही आ जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? ज़ीरो, जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अब तीन बंदे जब उसमें फोर्स लगाता है तो तीन बंदे फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज फोर्स जो होगा ना वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बताइए? 1200 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज बढ़ दोनों 24,000, एक से पहले दैट इज 2400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2400, ये 1200 गुना 0.2 है, दैट इज 12 गुना 24, 20 होगा ना, तो एक जीरो हट जाएगा, तो कितना? 240 न्यूटन। कितना न्यूटन? अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि 240 न्यूटन है उसको तीन से डिवाइड करते हैं तो एक का फोर्स निकल जाता है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दो बंदे जो फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से जो हमारी वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो था। अब जो ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाया उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो अकेले में ये इतना एक्सेलरेशन क्रिएट किया। बात समझ आ रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है कुछ, उससे बढ़ा, उससे बढ़ने का जो रेट है वो कितना? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज होने का जो रेट है। वो 1200 किलोग्राम पर फोर्स लगाया इतना एक्सेलरेशन हुआ, वो तीसरा बंदा इतना फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन हुआ। दो की वजह से बस क्या थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। बात समझ आ रही है? तो वो दोनों भी कितना फोर्स लगा रहा होगा? 240 न्यूटन ही लगा रहा होगा। फिर मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी चल रही थी, वो दो लगाने की वजह से वो कितना लगा रहा था ये पता नहीं था, लेकिन तीसरा लगाने की वजह से, और मानते हैं कि तीनों एकदम आइडेंटिकल फोर्स लगा रहा है, मतलब एकदम सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो यही ना एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा हमारा आया। इससे पहले तो कोई एक्सेलरेशन था नहीं और 1200 किलोग्राम पर फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लगाया? 240 न्यूटन। इसका मतलब तीसरा बंदा फोर्स कितना लगाया? 240 न्यूटन। तो पहला और दूसरा भी कितना लगाया होगा? 240। F1 और F2 और F3 क्या हुआ? सेम, और ये 240 न्यूटन ही होगा। बोलेंगे फिर वो दोनों फोर्स लगा रहा था तो क्या हो रहा था? वो दोनों फोर्स लगाने की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा था वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा था? कैंसिल कर रहा था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ? A3, क्या कह रहा है A3? ये कह रहा है हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। एक हैमर है, हथौड़ा है, जिसका मास गिवन है 500 ग्राम, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। कितना? 50 मीटर पर सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। ट्रैवल तो गाड़ी करते है। स्ट्राइक्स नील, एक आप जानते हैं ना, हथौड़े से मारते हैं नील को, नील फिर वाल के अंदर घुस जाता है। स्ट्राइक्स नील, कांठी में स्ट्राइक करता है। द नील स्टॉप्स द हैमर। नील
पर जब हैमर मारता है तो थोड़ी देर बाद अंदर पेनेट्रेट होके फिर वो रुक जाता है, द नेल स्टॉप्स द हैमर, और कभी कभी छिटक भी जाता है, देखे होंगे आप हैमर, तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, इन अ वेरी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं आपको पता है, इम्पल्सिव फोर्स, टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। वॉट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, वॉट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर, ये क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हैमर है 500 ग्राम का, तो मास हो गया आपका 500 ग्राम, दैट मीन्स 500 बटे 1000 किलोग्राम, दैट इज हाफ किलोग्राम। कितने वेलोसिटी से चल रही है बताइए, 50 मीटर पर सेकंड से। फाइनली क्या हो गई, ये रुक गई, कितनी हो गई, जीरो। टाइम कितना लग रहा है, 0.01 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, दैट इज 0 माइनस 50 बटे 0.01, दैट इज माइनस 50 100 बटे 1, दैट इज माइनस 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, 1/2 गुना माइनस 5000, दैट इज माइनस 2500 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हुआ, 2500 न्यूटन। बहुत ही सिंपल, इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कोई डिस्कस करने की आवश्यकता है, आप बस इसको कर लें क्या, नोट डाउन, ठीक है बच्चों, उतार लिए होंगे आप, ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ के उतारे होंगे, ये भी उम्मीद करता हूँ। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम है यहाँ पे A4। चलिए, A4 क्या कह रहा है, अ मोटर कार ऑफ 1200 किलोग्राम, अ मोटर कार ऑफ 1200, एक मोटर कार है जिसका मास 1200 किलोग्राम है, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन, इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर, 18, अब 90 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, अब ये 18 किलोमीटर पर आवर में चलने लगा, स्लो कर दिया गया, मास कितना किलोग्राम का है, 1200 किलोग्राम, कितना सेकंड में इसको स्लो किया गया, 4 सेकंड्स में, बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आप समझ गए क्या क्या निकालना है, 1200 किलोग्राम का मास गिवन है, कोई बात नहीं, मास है कितना किलोग्राम का, 1200 किलोग्राम का, चल कितना में रहा था पहले, 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 90 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, जिसको नहीं आता है इतना तो आना ही चाहिए, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 घंटा 60 मिनट, दैट इज 60 गुना 60 सेकंड, 3600 सेकंड, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 18 × 5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 18 गुना
5 बटे 18 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो 25 से 5 हुआ स्लो हुआ तो 20 मीटर पर सेकेंड का डिक्रीमेंट हुआ 4 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना हुआ होगा 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज टाइम कितना लगा बताइए 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल बटे टाइम, तो फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है 25 बटे टाइम कितना है 4, माइनस 20 बटे 4 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आया। और चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कांस्टेंट, वी माइनस यू, मास है 1200 किलोग्राम का और वी माइनस यू, वी कितना है बताइए 5, इनिशियल कितना है 25, ये आएगा 5 में 25 किया माइनस 20 इनटू 1200, ये हो जाएगा आपका माइनस चौबीस हज़ार किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, दोनों ही इसका। अब क्या चाहिए, एक्स फोर्स भी चाहिए, तो फोर्स क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो निकल गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है बताइए 1200 और एक्सेलरेशन है आपका माइनस 5, तो माइनस 6000 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना हुआ 6000 न्यूटन, कितना हुआ 6000 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ कि एडिशनल एक्सरसाइजेज के जितने सारे क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया। अब कुछ क्वेश्चंस बचे जो आपको कर लेने हैं, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस आपके बीच बीच में जो आपका बुक का जो थ्योरी है उसमें गिवन है, उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आप खुद करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, एक जो हॉर्स है वो कार्ट को कैसे पुल करता है, एक्शन रिएक्शन तो बराबर होता है, कैंसिल होकर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे समझना है कि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, किस पर लगता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, वो कहानी आप इंटरनेट से कहीं जानने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करें कि हॉर्स और कार्ट का जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हॉर्स कार्ट को खींच लेता है, ठीक है, ये उस पर फोर्स लगा रहा है, कौन किस पर लगा रहा है, ये सारी बातें आप समझें। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी, जब हाई वेलोसिटी से पानी निकलता है पाइप से तो फिर वो कैसे क्यों उसको बहुत ही मुश्किल होता है उसको पकड़ने में, क्योंकि आप जानते हैं एक्शन रिएक्शन, ये अगर इतनी कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो रिकॉइल वेलोसिटी वाला आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है, उस तरीके से आप उसको जान सकते हैं, मैंने सारी बातें कर दी है। क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, एक राइफल है जिसका मास कितना किलोग्राम का है 4 किलोग्राम का मास है, अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है उसका मास 50 ग्राम है, 50 बटे 1000 किलोग्राम मतलब 1 बटे 20 किलोग्राम, ठीक है, तो इनिशियली गन और जो बुलेट है वो दोनों रेस्ट में रहता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आपका कौन है, ये है बुलेट, ठीक है, तो बुलेट की जो इनिशियल, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, U1 जीरो और U2 भी क्या होगा जीरो, मतलब बुलेट और राइफल, ठीक है, दोनों ही रुका हुआ है। फाइनली V1 मतलब ये कौन है, ये है आपका राइफल, इसका नहीं पता लेकिन ये गिवन है, ये है आपका 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल, तो जो राइफल है आपका वो कितना, मतलब यही मांगा है V1 मांगा है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 सब पुट करते हैं, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, V1 जो निगेटिव में आएगा मतलब बुलेट आगे जा रहा है तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो आपका राइफल है पीछे आएगा, जिसको आपको अच्छे से पकड़ने की ज़रूरत है, तो ये आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर जो आप कर लेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में चल रहा है 100 ग्राम और 200 ग्राम का, ठीक है, और मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज टू 2 मीटर 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम 200 ग्राम मूविंग अलोंग द सेम लाइन, ये नहीं बोला डायरेक्शन के बारे में, एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली along the same line and direction, line भी same, direction भी same, with velocities of 2 meter per second, एक 100 ग्राम का है, ठीक है, ये भी इधर जा रहा है और एक 200 ग्राम का है, ये भी इधर ही जा रहा है, कोई बात नहीं जा रहा है तो जाने दो, तो जाने के बाद क्या हुआ, फिर कोलाइड किया, अब कौन एक 2 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है और एक 100 ग्राम 200 ग्राम, तो 100 ग्राम वाला 2 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है
और ये 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको टकराएगा, टकराने के बाद फिर कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद कोलिजन के बाद फिर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइनली, ये फिर ये इनिशियल है, फाइनली जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम ये कितना में चल रहा है, ये 1.67 मीटर पर सेकंड। निर्माण द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट का मांगा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या होता है बताइए, m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2, सब पुट कर देंगे और ये जो v2 है उसको हमने v मान लिया, m1 है कितना बताइए 100 ग्राम मतलब 100/1000, u1 कितना है 2 + m2 कितना है 200/1000 गुना u, नहीं भी करते तो सब कैंसिल ही हो जाता है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। u2 कितना है बताइए 1 मीटर पर सेकेंड बराबर m1 v1 कितना है 100/1000 गुना 1.67, m2 कितना है 200/1000 गुना v, यहाँ से v आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जांपल्स में बना हुआ है तो आप थोड़ा हिंट ले सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी बनाएं और सबमिट करें, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, बहुत ईजी है, इसको मुझे और हिंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें, जितनी सारी बातें हमने बताई हैं वो सारी की सारी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।